नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में गर्भवती की मौत मामले की खबर वी टाइम न्यूज में प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रखंड प्रशासन पीड़ित परिवार के गांव भैंस बथान पहुंची। बता दें कि घाघरा थाना क्षेत्र के भैंस बथान गांव स्थित पकरी पाठ में गर्भवती के बच्चे होने के तुरंत बाद मौत हो जाने के मामले को वी टाइम न्यूज चैनल में प्रमुखता के साथ समाचार दिखाने के बाद घाघरा BDO विष्णुदेव कच्छप, अंचलाधिकारी धनंजय पाठक, चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर अमित एक्का पीड़ित परिवार के गांव भैंस बथान स्थित पकरी पाठ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार, मृतिका के पति और अगल बगल गांव वालों से घटना के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही हिंडाल्को कंपनी के हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहाँ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, जहाँ अधिकारियों ने दो नर्सों की उपस्थिति ही देखी। हालांकि अधिकारियों ने हिंडाल्को प्रबंधन के मैनेजर को स्वास्थ्य विभाग बेहतर करने को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स की बदौलत ही आपका हॉस्पिटल चलता है, जहां जल्द से जल्द एक डॉक्टर की उपस्थिति कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने हिंडाल्को के मैनेजर को कहा कि विकास का खर्च कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना रोड है, ना ही पेयजल की बेहतर सुविधा है और ना ही स्वास्थ्य सुविधा है। इस बात पर BDO विष्णुदेव कच्छप ने कहा कि जल मीनार प्रखंड प्रशासन 15वें वित्त आयोग से लगाई गई है, जो खराब है उसे 2 दिनों के अंदर दुरुस्त करने की बात कही और हिंडाल्को द्वारा विकास के नाम पर कुछ नहीं होने को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार कर जिले के अधिकारियों को अवगत कराने की बात अधिकारियों ने कही। वही पीड़ित के परिजनों को BDO ने 50 किलोग्राम चावल भी दिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि करप्ट सिस्टम क्या सुविधा देगी या फिर यूं ही मौत का मंजर देखने को मिलेगा, आखिर कब तक, यह बड़ा सवाल है। आज घाघरा प्रखंड के हम लोग सिरिंगदाग गांव के टोला जो है भैंस बथान हम लोग गए हुए थे। मैं खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और भी कर्मी थे, तो हम लोगों ने जांच में पाया कि जो सिरिंगदाग जो है काफ़ी सुदूरवर्ती ग्राम है, 12-13 किलोमीटर की दूरी में किरी से है, लेकिन हम लोग को जाने के तकरीबन 1 घंटा समय लग गया। तो इससे पता चलता है कि रोड का स्थिति कितना खराब है और जो एक मृत्यु जो हुआ था बच्चे को जन्म देने के उपरांत, उसमें जांचोपरांत पाया गया कि सहिया जो है वो क्योंकि घाघरा में रहती है, उसको रात में 1:30 बजे फ़ोन कॉल किया गया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। सुबह भी फ़ोन कॉल किया गया था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन लोगों के प्रयास के द्वारा प्रयास किया गया लेकिन तत्काल राहत नहीं मिल पाया। तो उससे मृत्यु होने का कारण जो है हम लोग उसको सहिया को तत्काल निलंबित हम लोग कर दिए हैं और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि वहाँ का व्यवस्था दुरुस्त करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हिंडाल्को कंपनी का उत्तरण कार्य होता है बहुत दिनों से, उसका भी व्यवस्था चरमराया हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में उस तरह कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर को बैठने का है ना, वहाँ कोई दवा उस तरह का व्यवस्था पाया गया, सिर्फ 2 कर्मी को लगाया गया है नर्स के नाम पर। उन लोग की सुबह 8 बजे से आती है और कई चीज़ें बाजार का दिन है, उसमें हम लोग तकरीबन 3 बजे तक ही रहते हैं। तो इस तरह से हिंडाल्को का भी ना विकास के काम पे सिर्फ खुदाई किया है उन लोगों ने, कोई ये सब खर्च नहीं किया है, उसको भी इसमें हम बीमारी मानते हैं। उन लोगों का अगर प्रयास रहता तो हो सकता है कि उसका जान बचाया जा सकता है। आगे कार्रवाई यही है कि हम लोग टोटल चीज़ के बारे में रिपोर्ट बना करके हम और CO साहब संत उनसे स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि आपके द्वारा क्यों इस तरह का लापरवाही बरती जा रहा है और उसमें विकास कार्य में हॉस्पिटल है, पीने की व्यवस्था है, रोड है, ये सब व्यवस्था ठीक करने से लोगों को आने जाने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा और प्रशासन के लोग समय पर पहुंच पाएंगे।